बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की ओर से ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर कांस्टेबल की भी वैकेंसी दी गई है, प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी जानकारी के लिए वीडियो कम्प्लीट जरूर देखेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, वो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सबसे बड़ी बात जो इस भर्ती की होगी, आपको यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं देना, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। सभी जानकारी के लिए वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा। कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती का जो रिक्रूटमेंट नेम रहेगा, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि इसकी ओर से यहाँ पर भर्ती चलेगी। जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी मिलेगी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर। और आपको जो कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल है, इसके अंतर्गत आपको कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए वीडियो को जरूर कंप्लीट देखेगा। अप्लाई मोड जो रहेगा, ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे, ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस भर्ती का फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जो आपकी हाइट होना अनिवार्य है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग होगी। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, जो आपकी हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अब देखें फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपकी चेस्ट रहेगी, उसके बारे में नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं बताया गया है, और ना ही कोई यहाँ पर आपका रनिंग टेस्ट के बारे में कुछ बताया गया है। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती की एज लिमिट की बात करें, 18 ईयर से लेकर 45 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी, 1 अगस्त 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त को आपकी एज न तो 18 से कम हो, न 45 से ज़्यादा हो। वैसे यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आपकी एज रहेगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। और अगर आप SST कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मैं आपको फिजिकल डिटेल पहले ही बता चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं IIT डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। अगर फ्रेंड्स आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सबसे पहले फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन के सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपके पास एक ID प्रूफ भी होना अनिवार्य। अगर आपके पास ID प्रूफ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के इंपोर्टेंट डेट की बात करें, 25 अगस्त से यहाँ पर इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 21 अक्टूबर 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आवेदन और नोटिफिकेशन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसी पेज पर सबसे नीचे डाउन आ जाना है तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे आपको यहाँ पर हिंदी में जानकारी दी गई है। आपको यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो लगाना है और सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो 500 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आवेदन करना होगा, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाना। अब बात रहे यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको हमने यहाँ पर लिखा हुआ नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर इस प्रकार से होगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर मासून की होगी, प्लम्बर ऑपरेटर की होगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें वेल्डर सभी वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई, अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। जो आपको यहाँ पर इस भर्ती में टोटल वैकेंसी दी गई है 213 वैकेंसी दी गई टोटल। पोस्ट नेम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।